ये कहानी गहरे समंदर की है। समंदर के बीचों बीच दो कॉलोनीज थीं, एक डॉल्फिन्स की कॉलोनी और दूसरी स्वॉर्डफिश की कॉलोनी। इन दोनों कॉलोनीज में अक्सर बहस हुआ करती थी। एक बार की बात है, एक नन्ही स्वॉर्डफिश खेलते खेलते डॉल्फिन्स की कॉलोनी में आ गई और तुरंत उसे कई डॉल्फिन्स ने घेर लिया। ओए बच्चे, तूने यहाँ कदम कैसे रखा? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये डॉल्फिन्स का इलाका है? ओए बच्चे, तुमने क्या सोचा, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे? तुम्हें हमारे इलाके में नहीं आना चाहिए था, ये डॉल्फिन्स की कॉलोनी है। क्या तुम जानते नहीं कि डॉल्फिन्स सभी मछलियों में सबसे ऊंची मछली है? हाँ हाँ, हम महान हैं, हमारे जैसा कर्तव्य कोई कर ही नहीं सकता। तभी डॉल्फिन्स का राजा वहाँ पहुँचा। सबसे बड़ी डॉल्फिन को देखकर वो स्वॉर्डफिश का बच्चा डर गया और रोने लगा। मैं गलती से यहाँ आ गया, मुझे प्लीज वापस जाने दो, प्लीज। ठीक है, आइंदा इस कॉलोनी में कदम नहीं रखना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। राजा के आदेश पर सारे डॉल्फिन्स एक तरफ हो गए और वो स्वॉर्डफिश का बच्चा वापस अपनी कॉलोनी में चला गया। फिर उस बच्चे ने कभी भी डॉल्फिन्स की कॉलोनी में कदम नहीं रखा। इस घटना को कुछ ही दिन हुए थे कि एक रोज एक डॉल्फिन का बच्चा स्वॉर्डफिश की कॉलोनी में आ गया और देखते ही देखते उसके आसपास स्वॉर्डफिश की भीड़ लग गई। अरे बेटा, तुम गलत जगह आ गए। अरे रुको रुको, तुम लोग उसे मिलकर डरा रहे हो, बेचारा बच्चा डर जाएगा। हटो हटो, हट जाओ। बेटा, तुम्हें अपनी कॉलोनी के अंदर ही रहना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। सारी स्वॉर्डफिश ने मिलकर उस बच्चे डॉल्फिन को वापस उसकी कॉलोनी के पास छोड़ दिया। वहाँ जब डॉल्फिन्स के राजा ने देखा कि एक छोटे डॉल्फिन को इतनी सारी स्वॉर्डफिश ने घेर रखा है, तब वो भड़क गया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक छोटे से बच्चे पे इतने सारे लोग हमला कर रहे हो? आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम तो इसे यहाँ सुरक्षित छोड़ने आए थे, ये बेचारा भटक कर हमारी कॉलोनी में आ गया था। तो क्या हुआ, ये एक डॉल्फिन है और समंदर में कहीं भी जा सकती है, ये इसका हक है। तुम छोटे स्वॉर्डफिश कौन होते हो और इसको रास्ता बताने की कोशिश करते हो? ये तो गलत बात है। तभी बात संभालते हुए स्वॉर्डफिश के नायक ने कहा, ठीक है, हमारा काम था आपके बच्चे को सुरक्षित आप तक पहुंचाना, बाकी आप खुद देख लीजिए, चलो सब वापस चलो। सारे स्वॉर्डफिशेस वापस अपनी कॉलोनी लौट गए। कुछ महीनों बाद इस समंदर में कुछ वेल्स रहने आई। डॉल्फिन्स का राजा उनसे मिलने गया। आप हमारे मेहमान हैं, आप तो जानते हैं इस समुंदर पर हम ही राज करते हैं, कभी हमारे कॉलोनी में आइए हमारे मेहमान बनकर। वेल्स का राजा सोच में पड़ गया। ये डॉल्फिन्स अपने आप को बहुत बड़ी समझती है, हमारे सामने इनकी हैसियत ही क्या है, यही सही मौका है इन्हें सबक सिखाने का। हम कल सब आपके यहाँ जरूर आएंगे। अगले दिन डॉल्फिन वेल्स के आने का इंतजार कर रहे थे। जब वेल्स वहाँ आईं, तो स्वॉर्डफिश ने खतरा भांप लिया। जरूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और जरूर ये मुसीबत भी खुद डॉल्फिन ने बुलवाई होगी, लेकिन हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे भी हो वो हमारे पड़ोसी हैं। मुझे नहीं करनी घमंडी डॉल्फिन्स की मदद। नहीं, ये गलत बात है, चाहे डॉल्फिन्स घमंडी क्यों ना हो, वो है हमारे पड़ोसी और पड़ोसी धर्म का हमें पालन करना चाहिए। यहाँ वेल्स का झुंड डॉल्फिन्स की कॉलोनी पहुँचा। आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, उम्मीद है आपको हमारी ये सही कॉलोनी अच्छी लगी होगी, वैसे भी इस सारे समुंदर पर हमारा ही राज है। तुम अपने आप को समुंदर का राजा समझते हो? तुम हमारे सामने इतने छोटे हो, तुमने ये सोचा भी कैसे कि इस समुंदर पर तुम्हारा राज है और तुम यहाँ के राजा हो सकते हो? वेल्स के राजा के आदेश पर सारी वेल्स ने डॉल्फिन्स पर हमला कर दिया। वेल्स शरीर और शक्ति दोनों में बड़ी थी, इसलिए कई डॉल्फिन्स घायल हो गई थी। मदद करो,
कोई हमारी मदद करो। रोते हुए डॉल्फिन्स की गुहार सुनकर स्वॉर्डफिश के झुंड ने वेल को घेर लिया। स्वॉर्डफिश ने वेल्स पर हमला कर दिया, पर तभी डॉल्फिन्स का राजा चीख पड़ा, रुको, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई हमारी और वेल्स की है। हम दोनों ऊंची और बड़ी मछलियां हैं, तुम छोटी मछलियों को इस लड़ाई में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। पर राजा, ये वेल्स हमें मार देंगी। जो भी हो, हमारा काल हम सब खुद झेलेंगे। अगर हमने इन छोटी मछलियों की मदद ली तो सारा समंदर हम पर हंसेगा कि डॉल्फिन्स अपनी रक्षा नहीं कर पाई। एक बार फिर सोच लीजिए, हम यहाँ अपना पड़ोसी धर्म निभाने आए थे, ना कि आपको नीचा दिखाने। जो मैंने कह दिया वही फैसला है, हमें तुम छोटी मछलियों की मदद नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। स्वॉर्डफिश के नायक ने अपने समूह को आदेश दिया और सारी स्वॉर्डफिश अपनी कॉलोनी में लौट गई। यहाँ बड़ी वेल्स ने डॉल्फिन्स पर हमला जारी रखा। एक एक करके सारी डॉल्फिन्स घायल हो गई, कुछ डॉल्फिन्स मर भी गई। अब बस हम इस समंदर के राजा हैं। वेल्स ने डॉल्फिन्स की पूरी कॉलोनी तबाह कर दी और फिर वहां से लौट गई। डॉल्फिन का राजा नहीं रहा, कई डॉल्फिन्स घायल थी। डॉल्फिन्स को अपना अहंकार भारी पड़ा। इस कहानी ने हमें ये सिखा दिया कि घमंड किसी का नहीं टिकता, चाहे वो घमंडी डॉल्फिन्स का हो या घमंडी रावण का। एक कस्बे में तीन चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना दो सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं, जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे, बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली, तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है, तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है, और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है, काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सब ने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई, और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी, काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो, तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी, ये फर्स्ट आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग
काली को बधाइयां देने लगे। यह देखकर सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेली ही अपने घर के पास खेल रही थी, तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गई। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना काली को एक जंगल में ले गईं। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। आहा, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आग बंद करके खड़ी हो जा, फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहां तीन चांद थे। काली बहुत घबरा गई। मैं कहां हूं? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम तीन जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं, तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ, और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया, लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थी, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल, कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला, ना जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दें।